थिंक प्रोड्यूसर्स जी अभी आ रहे हैं, तो वी कैन स्टार्ट द सेशन देन। आई थिंक आप लोगों ने अभी ट्रेलर देखा है, टीजर आप लोगों ने देखा नहीं? देखा चल रहा था, देखा सर, माइंड मरे बाप मरे सब देखा। नहीं, हमारे पास दूसरा वो क्या था कि सिंगल वो आ रहा था, अभी कंटिन्यूअसली पूरा एक चंक में एक है जो 2.5 मिनट का है, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो सारा सब कुछ मैं एक बार आप लोगों को दिखा दूँ। ओके सर, बिल्कुल चल रहा है। आप में एक बहुत बड़ी सक्सेस है, फिल्म का एक्सपीरियंस इन्होंने पूछा इतना अच्छा था कि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मच एट ए वेरी रिमोट प्लेस भदोही, जहाँ पर सारी सुविधाएं इन्होंने उपलब्ध कराई थी। तो आई वॉज वेरी कम्फर्टेबल वाइल शूटिंग, विच इज मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ माई कॉन्ट्रैक्ट एनीवेयर, चाहे वो राजकुमार हिरानी की फिल्म हो, चाहे वो राजकुमार संतोषी की हो, चाहे धीरज पंडित की हो, और वो रखने से हम कंफर्टेबली काम कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं अपने कैरेक्टर पर। जो हमने किया इसके लिए राजपूत साहब बधाई के पात्र हैं, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई। आर्यन फिल्म्स को शुभकामनाएं देता हूं। टीजर में जरीना के साथ जो सीन्स है वो सब तो अभी दिखाई नहीं पड़ेगा, जब तक अगर पहले ही क्या है अंदर उसको तो ओपन कर लेने से सब गड़बड़ हो जाता है और आप लोग लिख देते हैं चारों तरफ। गोविंद और गोविंद के साथ काम करने का मौका मिलता है तो आई एम वेरी हैप्पी। जो जो फिल्में की हैं उसके साथ, अभी एक आने वाली भी है, दूसरी फिल्म भी की है हमने पुकार में, एक मेमोरेबल उसके साथ एक्सपीरियंस रहा है इम्प्रोवाइजेशन का ऑन द स्पॉट, जो गोविंद कर सकता है मेरे साथ और मैं कर सकता हूँ गोविंद के साथ। तो ये कॉम्बिनेशन इन्होंने चुन के रखा है आर्टिस्टों को कैरेक्टर में, ये बहुत बड़ी बात है। एज ए डायरेक्टर ही इज मोस्ट सक्सेसफुल टू कंप्लीट ए फिल्म लाइक दिस, वेरी ऑर्डिनरी स्टोरी बट उसमें बहुत ट्विस्ट दिखाई पड़ता है, जो विच आई वॉज ऑल्सो नॉट एक्सपेक्टिंग सिंस माई फर्स्ट सेकेंड डे एट भदोही शेड्यूल। मालूम ही नहीं पड़ता था कि एक्चुअली इसका कैरेक्टर है क्या धीरज पंडित का, जो थोड़ा बहुत आइडिया था लेकिन पूरी तरह से नहीं। एंड ही हैज डन वेरी वेल दिस कैरेक्टर। डांसिंग नंबर जो कि आपने देखा है, लेकिन अभी पूरा सॉन्ग जब मूवी रिलीज होगी तब देखने मिलेगा। एंड जो लीडिंग फेस है डांसिंग नंबर की, हियर वी हैव अर्चना। ओके, द वेरी ब्यूटीफुल अर्चना। सो अर्चना, कॉन्ग्रेट्स, आपका डांसिंग नंबर उम्मीद है कि आपको बहुत आगे ले जाए। एंड वाराणसी जंक्शन में आपने एक अहम हिस्सा रखा है, आपका कैरेक्टर है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपसे भी जानना चाहूंगी। आप आइए साथ में, अच्छा लगेगा। बिना म्यूजिक के खड़ा होना मुश्किल होता है। सर, हम अकेला, मैं अच्छा नहीं लगूंगा भाई के साथ में। देव, कम ये देव और अपना धीरज दोनों डी से ही स्टार्ट होते हैं और दोनों ही शर्मा हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट मैं भी शर्मा हूँ, मैं भी पंडित हूँ, तो तीनों हम लोग पंडित हो गए। और रही बात, मैं अभी बताना चाहती हूँ कि मेरा जो सफ़र था, मेरा लाइफ का पहला आइटम सॉन्ग था जो कि धीरज सर ने मुझे उसके लिए सिलेक्ट किया था और वो बहुत अच्छा था। लॉलीपॉप जी कोरियोग्राफर थे, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया, मैंने भी काफ़ी हद तक अच्छा किया और इनफैक्ट धीरज सर को भी बहुत अच्छा लगा। तो मतलब बहुत मुझे सेट पे बहुत मज़ा आया। इनफैक्ट हमारे धीरज सर मुझे पिक एंड ड्रॉप करते थे, वो वक्त बहुत अच्छा था काम में। और इनफैक्ट मुझे भी अपना प्रोड्यूसर सर, मुझे प्रोड्यूसर सर दिखाई नहीं दे रहे हैं कमलेश, अच्छा हम प्रोड्यूसर सर भी बहुत अच्छे हैं, इनफैक्ट वो भी हमारे साथ में थे, तो उनका भी मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ, धीरज सर का भी थैंक्स बोलना चाहती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऊपर वाला बचाए रखे तो अच्छा है। ऋतु शर्मा भी है वहाँ पे, तो शर्मा लोग ज्यादा हैं।
जी टू स्टार्ट अ क्यूएनए आई एम स्टार्टिंग माय ओन प्लीज दे आर रियली गुड टू सी यू एंड वी हैव सीन द ट्रेलर वी लव द ट्रेलर द वे इट इज यू नो द सस्पेंस इज क्रिएटेड अराउंड द एवरी कैरेक्टर व्हिच इज देयर ऑन द स्क्रीन इट मेक यू फील समथिंग कि अब क्या राइट टेल अस व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू सेड यस टू द फिल्म दिस इज द रीजन यू आर पार्ट ऑफ इट See, first of all, I signed this film at a very awkward hour. मैंने ये सुबह 4 बजे फिल्म सुबह early morning 4 बजे इस फिल्म को सुनी पी है. नरेशन चला था धीरज जी ने नरेशन दिया था. और initially I was आज मैं पहली बार reveal करूँगा ये बात कि मैं बहुत keen नहीं था इस फिल्म को करने के लिए, because मेरी dates कहीं और busy थी. लेकिन दिनेश जो हमारे PRO हैं, उन्होंने बोला कि धीरज जी बहुत अच्छे director हैं, बहुत अच्छे actor हैं. आप एक बार मिल लीजिए, फिर आप decision लीजिएगा. तो वो मिलना ऐसा हुआ कि मैं आज यहाँ खड़ा हूँ आप लोगों के सामने फिल्म कंप्लीट करके. तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था. फॉर अ चेंज इन दिस फिल्म आई विल बी हैविंग सो मेनी लेयर्स. ये एक स्टार्ट टू एंड एक सिंपल या एक सिंगल सिंगुलर कैरेक्टर नहीं है. इट हैज लाइक डिफरेंट लेयर्स ऑफ इमोशंस इन इट. तो एक वर्सेटाइल एक्टर होना जो है वो एक इंसान की भूख होती है कि उसको हर तरीके के अपने जो इमोशंस होते हैं, अपने जो भाव होते हैं, प्रकट करने का मौका मिले. तो इस किरदार के जरिए मुझे वो मौका मिला बिकॉज ही इज अ लॉयर बाय प्रोफेशन. अपने पापा का एकदम हुनहार बेटा है, सीधा साधा, माँ का लाड़ला है. भाई के लिए मतलब ये राम है तो भाई लक्ष्मण है, तो उसके लिए शील्ड बन के खड़ा रहता है हमेशा. गर्लफ्रेंड के साथ जैसा मैंने पहले भी मेंशन किया था कि बहुत ज्यादा शाय है, कम बोल पाता है. रियल लाइफ में नहीं हूं मैं ऐसा, लेकिन यह मेरा कैरेक्टर कुछ इसी तरह का है कि चुपचाप रहता है, ज्यादा फ्लर्ट नहीं कर पाता है. और जब बात परिवार की आती है तो फिर भैया जो सामने आएगा भदोही स्टाइल में उसको धोया जाएगा. तो दिस इज द वे आई हैव प्लेड माय कैरेक्टर. एंड थैंक्स टू धीरज, उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की, मेरी वर्कशॉप चली जिसमें मुझे समझने का मौका मिला कि अच्छा ये देव शर्मा से अलग है. नहीं तो क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं खुद को अपने आप को उसमें डालने की कोशिश करते हैं. लेकिन फॉर अ चेंज इस बार आपको देव शर्मा से हटके अमर इस फिल्म में देखने को मिलेगा, प्रेम का बड़ा भाई. तो मजा आएगा आप लोग को देख के. जस्टिफिकेशन, जैसे कि भाई ने कुछ देर पहले ही कहा था कि एक करेक्टर स्टार्ट होता है, चलता है, फिर फाइनली उसका वाइंड अप होता है. तो ये ट्रेलर था, टीजर था, इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग रिवील नहीं करते हैं. पहले मैं इनके किरदार की बात करूं कि जैसे मैंने इनकी फिल्म देखी थी मुजफ्फरनगर, इसके पहले यारियां भी मैंने देखी, तो अच्छा लगा मुझे, बढ़िया लगा. इस बार बड़ा एक सामाजिक, एक पारिवारिक कैरेक्टर था. बहुत आसान किरदार देव जी का नहीं था कि एक ऐसा इंसान जिस पर उसके छोटे भाई ने कभी बचपन में उपकार कर दिया हो, बचा लिया हो, अब कैसे उसके उपकार का बदला चुकाया जाए. किसी ने अगर उसके भाई को पागल बोल दिया है तो दीवार बन के सामने खड़ा है कि दुनिया में उससे बड़ा दुश्मन उसका कोई नहीं है. पिताजी ने, जैसे डायलॉग में भी था कि पिताजी ने कभी हाथ उठाया तो पिताजी को रोका, गांव वालों ने बोला तो गांव वालों को तोड़ा, और आज उस भाई ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मेरे गाल में थप्पड़ मारा, अंजलि सब तुम्हारे लिए. तो सोचे किस हद तक अपने भाई को प्यार करता होगा कि आज अपने बड़े भाई का थप्पड़ खाकर ये बिल्कुल भाव विभल हो गया. तो वो किरदार अमर ने निभाया था. पिता का बहुत आज्ञाकारी लड़का, माँ का बहुत आज्ञाकारी लड़का, लेकिन अपने भाई को उतना ही ज्यादा प्यार करने वाला, जो कि आजकल भाई भाई वाली चीजें फिल्म से लगभग लुप्त हो चुकी है. अब बन रही है गैंग्स ऑफ वासेपुर, बन रही है, सबका अलग अलग टेस्ट है, मैं किसी पर उंगली नहीं उठाऊंगा. लेकिन बहुत सालों बाद मैंने कोशिश की, हमारे सर ने कोशिश की कि एक पारिवारिक फिल्म अपनी इस बॉलीवुड को दी जाए. बागवान बहुत दिनों के बाद आई थी, और ये था कि उस समय पारिवारिक फिल्मों का जमाना नहीं था. बागवान ने एक हिस्ट्री क्रिएट किया, हमने भी कोशिश की है कि मैं एक हिस्ट्री क्रिएट करने की कोशिश करूँ, एटलीस्ट वहां तक ना पहुंचू, जहां भी पहुंचू एक अच्छी कोशिश हो. तो इनके किरदार के साथ भी वही था, प्यार कर रहे हैं, प्यार का परित्याग भी करना पड़ रहा है. और उन्होंने वो सारी परिभाषाएं बताई कि प्यार का मतलब सिर्फ यही नहीं कि हासिल हो जाए, परित्याग की क्या पराकाष्ठा हो सकती है, वो इन्होंने जाहिर किया इसमें. और अंततः पूरी फिल्म देखने के बाद ही आपको पूरी सच्चाई मालूम पड़ेगी. एज अ डायरेक्टर, दिस माय डेब्यू फिल्म. एज एन एक्टर, 14वीं 15वीं फिल्म है. ओके. अंजन श्रीवास्तव जैसे दिग्गज कलाकार, गोविंद नामदेव जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ काम करना, क्या सीखने का मौका मिला? मैं एज अ डायरेक्टर बताता हूँ, मैंने तो सबको अपनी आंखों से देखा है परफॉर्म करते हुए. कभी आप अंजन सर को एक्ट करते हुए देखिए. मैंने लिखा था फेसबुक पर, बहुत ऑनेस्टली लिखा था, 70 साल सर की एज है, अभी भी जितनी एनर्जी इनके अंदर है,
शायद उतनी मेरे अंदर या और भी जितने कलाकार जो अभी न्यू कमर्स आ रहे हैं उतनी एनर्जी नहीं होगी। और जिस शिद्दत से ये काम करते हैं, जितना वेरिएशंस देने की कोशिश करते हैं, शूट तो इन्होंने कर लिया, अब जब डब में डबिंग करने के लिए भी आए थे तो पायलट तो जो है हम उसको मैच करते हैं, उस पायलट को भी वाइल्ड रिकॉर्ड करके ये हमें मौका देते कि रख लो क्या रखना है, तो वो दिग्गज सर हो सकते हैं। कि हमें इतनी मिली, मैं काबिल और रईस की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी, कितनी स्क्रीन में आप फिल्म को रिलीज करने की प्लानिंग है, आप क्या स्ट्रेटेजी रहेगी आपकी? अभी ये देखिए, अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं एटलीस्ट 1000+। ओके देव, आपसे जानना चाहूंगा ये कहीं व्हाट यू हैव डन, इज इट अ इंटेंशनल एफर्ट टू ब्रेक योर इमेज व्हाट यू हैव डन इन पास्ट? नहीं, मैं जब दिल्ली से पहली बार मुंबई आया था तो ये बहुत क्लियर सोच के आया था कि मैं ये करूंगा और ये नहीं करूंगा वाले लफड़े में नहीं पड़ूंगा। जो चीज मुझ तक आएगी, जो मुझे उस काबिल समझेगी, चाहे वो लीड एक्टर हो, चाहे वो कैरेक्टर आर्टिस्ट हो, चाहे वो नेगेटिव रोल हो, चाहे वो पॉजिटिव रोल हो, एनीथिंग, क्योंकि मुझे एक्टर बनना है, मुझे स्टार नहीं बनना यार, आई वॉन्ट टू बी एन एक्टर। तो जब आप आर्टिस्ट अच्छे होते हैं ना तो आप स्टार अपने आप बन जाते हैं, और हमारे साथ मतलब इतने सारे एग्जांपल्स हैं, अंजन जी उसमें से एक हैं, मेरे लिए वो बहुत बड़े स्टार हैं। तो क्योंकि मेरी नींव NSD से है, मेरे नाना जी NSD में थे और मैं उनके अंडर में ट्रेंड हुआ हूँ, तो मुझे लगता है कि स्टार बनाने वाले वो हैं, एक्टर बनने के लिए हमें खुद मेहनत करनी है। तो मेरे को एक्टर बनना है और उसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि जिस तरह का भी किरदार आया उसको करके कुछ अच्छा कर पाऊँ। तुम NSD में हो? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बेसिकली थिएटर एक्टर हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं इप्टा के साथ जुड़ा हूँ, जब से तब से अब तक जुड़ा ही हूँ ऑल इंडिया में। और इन्होंने जो पूछा कि शाहरुख खान और इन लोगों के साथ पिक्चर चलेगी कि नहीं, जब शाहरुख आया था नया, नहीं मतलब इतना हिम्मत किया इन्होंने। अंजन जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, शायद आपके नॉलेज में ना हो क्योंकि आप, जो क्वेश्चन का जवाब देना, मैं वो एक खबर हुई थी एक बीच में जब काबिल और रईस क्लैश हो रही थी। अच्छा, चलो वो ठीक है। देखिए, इस समय शाहरुख खान हो चाहे बच्चन साहब हो, इस समय कंटेंट चाहिए लोगों को। दूसरी बात ये है, ना सुन लीजिए पहले, दूसरी बात ये है कि लोग पॉलिटिकल स्लोगन लगाने से तो नहीं होगा, जो समाज को बनाना चाहते हैं, जिस तरह का समाज बनाना चाहते हैं, चाहे कोई भी मिनिस्टर हो, बात तो एक ही करेगा कि परिवार जुड़ के रहे, लेकिन दर्पण में नहीं दिखाई पड़ता है। जो बनाने की जरूरत है, लोगों को जो भाव जो खत्म हो गया है उस भाव को फिर से लाने की जरूरत है। जो अगर कोई इस तरह की पारिवारिक फिल्म बन रही है और उसका कंटेंट ठीक है और डायरेक्टर सही है तो उसमें कूद जाना चाहिए, चाहे कोई भी एक्टर हो। इस समय समाज की जरूरत है, इसलिए वो प्रश्न बताना सबको जरूरी है कि आप लोग इसके ऊपर जोर दीजिए कि पारिवारिक फिल्म भी चाहिए और सब चाहिए। नई नई टेक्निक के साथ एक से एक चीजें आ रही है, लेकिन ये भी चाहिए। काफी बेटर जी, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमेशा आते हैं और आप सभी के चैनल्स में जितने भी लोग हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उन सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में। अब बात करते हैं जंक्शन वाराणसी की। तो जंक्शन वाराणसी जो बनारस हमारा जो घाट है वहाँ के एक परिवार की एक पारिवारिक फिल्म है। तो अब तक हम लोग मॉडर्न, जिस तरह के मैंने कैरेक्टर्स अभी तक प्ले किए हैं, चाहे वो मॉडर्न हो यारिया में या हीरोपंती में एक सीधा लड़का हो या मुजफ्फरनगर में एक बाहुबली टाइप का कैरेक्टर हो, तो इस टाइम पहली बार मैं एक फैमिली फिल्म की है और इसके अंदर मैं एक लॉयर का किरदार प्ले कर रहा हूँ। तो ये वकील है पेशे से, लेकिन इसके लेयर्स हैं इसके अंदर, क्योंकि तो किसी की नहीं सुनता है, फिर ऐसा धोता है, भदोही गांव की फिल्म है बनारस के, तो भदोही की तरह धोता है, जहाँ पे इस चीज़ की एक खासियत है कि वहाँ अगर किसी परिवार के ऊपर हाथ उठाई जाती है, हाथ उठाया जाता है, तो उसका नतीजा बड़ा ही गरमा गरम होता है। तो वो आपको देखने को मिलेगा फिल्म के अंदर। जी डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत आगे पहुंच गया है, बहुत सराहा जा रहा है, सीक्रेट गेम मतलब जहां पे सैफ अली खान से टक्कर नवाजुद्दीन सिद्दीकी हिस्सा लेते हैं जी, गिवन अ चॉइस, जहां गानिया बहुत यहां पे सीक्रेट गेम में बहुत कामयाब भी रहा है जी, आई डोंट नो व्हेदर यू हैव सीन इट और नॉट। आई हैव सीन दैट, आई हैव सीन इट। हां जी, वुड यू बी इंटरेस्टेड अगर वहां इस तरह का कुछ ऑफर आपको मिलता है और जहां न्यूडिटी भी हो, यू नो प्लीज आई कांट प्रोनाउंस इट प्रॉपर्ली। या आई वुड लव टू, बिकॉज़
एक आर्टिस्ट अगर अपने आप को दायरों में खींच के रख देगा तो वो ग्रो कैसे करेगा, या वो समाज का दर्पण सामने कैसे ला पाएगा? हमारे जरिए ही तो लोग देख पाएंगे कि अच्छा ऐसा भी होता है, अगर हम दिखाएंगे ही नहीं तो देख कैसे पाएंगे लोग, और देख के उसमें से क्या सीखना चाहिए, क्या नहीं सीखना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे पता चलेगा? तो मुझे तो किसी भी तरह का किरदार मिलेगा तो मैं डेफिनेटली करना चाहूँगा। सेक्रेट गेम्स जो आपने नाम लिया है, माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त वेब सीरीज़ है जिसने मतलब हॉलीवुड लेवल को टच किया है, और उसका सेकंड सीज़न अभी शुरू होना है, शूट होना बहुत जल्दी, तो बहुत ही अच्छा लगा। और इस तरह का कोई भी ऑफ़र मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन कुछ फिल्म्स की कमिटमेंट की वजह से मैं अभी ऐसा बिजी चल रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, बट आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। मेरा किरदार क्या है? धीरज पंडित बताएंगे मेरा किरदार क्या है। टीजर आपने देखा है? तो टीजर में जितना रिवील हुआ उतना ही बोल सकता हूँ मैं। अगर डायरेक्टर ने उसको रिवील नहीं किया तो आई शुडंट टेल, उसकी इंक्विजिटिव खत्म हो जाएगी। इट्स अ फैमिली फिल्म, और दो परिवार के बीच में एक का हेड मैं हूँ, एक का गोविंद है। उसके अलग न्यूएंसेस हैं, मेरे अलग न्यूएंसेस हैं। उस शादीवादी का चक्कर है, परिवार है तो मालूम पड़ गया होगा। तो उसमें मेरे घर आते हैं, हाउ आई बिहेव विथ हिम, हाउ ही बिहेव्स विथ मी, या उनकी वाइफ जरीना जो कर रही हैं वो कैसे बिहेव करती हैं। ये छोटे छोटे जो ट्रीटमेंट्स हैं ये फिल्म में ख़ास बात है। कहानी दुनिया में बहुत इने गिने कुछ लिमिटेड ही होते हैं जो महाभारत ने बता दिया, लेकिन कहानी में उसी कहानी को ट्रीटमेंट से आदमी नया बनाता है। और ट्रीटमेंट क्या होता है? जो रियलिटी में जो नई नई चीज़ें घटती हैं उसको लेकर के होता है, समय के साथ, एनवायरमेंट के साथ, जगह के साथ, प्लेस एंड एनवायरमेंट एंड द सोसाइटी। तो ये सब चीज़ लेकर के फैमिली फिल्म बन सकती है, जो प्रयास इन्होंने बहुत अच्छा किया है। ये भी कहना चाहूँगा कि आज के समय आप देख रहे हैं बहुत सारी फिल्में हैं जो सामाजिक मुद्दों को लेकर ज़्यादा बन रही हैं, तो कितना ज़्यादा पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि पहले इस तरह की फिल्में नहीं बनती थी अगर देखा जाए तो। बहुत पहले बनती थी, बीच में रुक गई थी, फिर बनने लगी, फिर रुक गई, क्योंकि एक बड़ा स्टार काम कर दिया तो उसको कॉपी करने लगे थोड़ा। लेकिन वो बात आती नहीं जब तक आपकी ओरिजिनलिटी नहीं रहती। कंटेंट में कुछ बात होनी चाहिए, और ओरिजिनलिटी रहेगी, किरदार में नयापन रहेगा, तो बात पहुंच जाती दिल तक ऑडियंस के। ये तो शो बिजनेस है, ऑडियंस के दिल तक पहुंचनी चाहिए बात, और कॉम्पैक्टनेस रहनी चाहिए, सोचने का मौका भी होना चाहिए कि अब आगे इस क्या करेगा, ये पागल लड़का क्या करेगा क्या, या इसके साथ फैमिली कैसे बिहेव करेगी, सोसाइटी कैसे बिहेव करेगी। और इस प्रोजेक्ट के अलावा और कौन से प्रोजेक्ट नज़र आने वाले फ्यूचर जो प्रोजेक्ट्स इसके अलावा, इस फिल्म के अलावा बात करें तो? हमारे पास एक मैं और गोविंद ने एक और फिल्म की थी, नए डायरेक्टर की फिल्म है। सब लोग नए नए लोग अप्रोच करते, यही बहुत बड़ी बात है। इतने फिल्में करने के बाद पुराने डायरेक्टर के बाद नए डायरेक्टर से अप्रोच कर रहे हैं, टाइम नहीं है, एक फिल्म कर रहे हैं हम जो वो भी रिलीज़ होने को तैयार है। उसके अलावा नहीं, बड़ी बात होती है, नहीं तो जैसे ही पता चलता है कि डायरेक्टर नया है तो जल्दी तो कोई बड़े एक्टर या स्टार कोई तैयारी नहीं होती कि पता नहीं नया डायरेक्टर है क्या बनाएगा कैसे बनाएगा, तो बड़े सब हल्के में ले लेते हैं। बट यहाँ ऐसा नहीं था, सारे एक्टर जितने भी थे हमारे एक्टर्स सब ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत कोऑपरेट किया। कभी मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं फर्स्ट टाइम डेब्यूटेंट डायरेक्टर हूँ और कोई नखरे नहीं, कोई नाटक नहीं, कुछ नहीं। और हाँ, पूछते ज़रूर थे कि सर बताइए मुझे करना क्या है, तो प्राउड किया। ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि उन्होंने इतना सम्मान दिया, इज्जत दिया मुझे, और अच्छा लगता है कि पहली फिल्म में सारे दिग्गज हों और कम से कम एक दिखने दिखाने लायक फिल्म हमारी बन जाए, अच्छा लगता है। जो अपना टाइटल है जंक्शन वाराणसी, तो नाम से ही जैसे परिलक्षित होता है कि कहीं ना कहीं ये यूपी के बैकग्राउंड की कहानी होगी, तो मुझे मिट्टी से जुड़े हुए किरदार चाहिए थे जिनका चेहरा बड़ा देसी हो। तो अंजन जी अपने जौनपुर के ही हैं, और अनुपम श्याम हो जी प्रतापगढ़ के हैं, यूपी के हैं, तो इनके आप देखेंगे इनकी भाषा शैली में, खासकर अनुपम श्याम हो जाए तो आज भी अवधी ही बोलते हैं। तो जब फिल्म वाराणसी के बैकग्राउंड पे है तो कम से कम एक्टर्स में ऐसे ले लूँ, तो कहानी के साथ किरदार के साथ चेहरे भी मुझे मिलते चले गए, तो बड़ा लकी रहा मैं इस मामले में। धीरज से बहुत पुरानी दोस्ती है, हम लोगों ने एक एल्बम साथ में किया हुआ है, तो ये सब्जेक्ट भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो इसलिए हम लोगों ने मिलके ये
स्टार्ट किया। ये इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर को कितना बड़ा चैलेंज होता है एक फिल्म लाना, और भी इस तरह के स्टार कास्ट के साथ टारगेट करके, जब तक कोई कॉर्पोरेट का बैकअप नहीं होता तब तक फिल्म प्रोड्यूस करना या डिस्ट्रीब्यूट करना। हाँ, ये बात तो सही आपने बोला कि काफ़ी डिफिकल्ट होता है कि इंडिविजुअल अगर कोई प्रोड्यूसर ये फिल्म को बिगर सपोर्ट के लाए तो काफ़ी चैलेंजिंग है। लेकिन फिर भी क्या कहना चाहेंगे कि कितना बदलाव आया है फिल्म प्रोडक्शन क्षेत्र में, क्योंकि आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, पहले से ही प्रोड्यूस किया, जैसा आपने बताया कि म्यूजिक वीडियो प्रोड्यूस किया जी, कितना डिफरेंस आया है आज के दौर में फिल्म प्रोड्यूसर्स के, कितना रास्ता डिफिकल्ट हुआ है या ईजी हुआ है? अभी ईजी हुआ है काफ़ी, क्योंकि अभी लोगों को उसका महत्व पता है कि लोगों को रोजगार भी चाहिए, काम भी चाहिए, तो उन्होंने अभी काफ़ी हेल्प किया और सपोर्ट किया और ये आसान बनाते चले गए लोग। आगे क्या सोच रहे हैं? हाँ, इसके बाद एक फिल्म है हम लोगों की, जल्दी हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। खास वजह नहीं, जैसे कहानी मैंने लिखा था और जैसे मैं मुंबई आया था राइटर बनने के लिए, तेरे नाम मैंने फिल्म देखी थी सलमान खान की, और एक कहानी लिख करके मैं मुंबई चला आया था। ये कहानी मैंने बहुत पहले लिखी थी और मुझे लगता था कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स दूँ मैं जो कि हिंदी से बिल्कुल लुप्त हो चुके हैं। बहुत अभी देखेंगे आप, वायलेंस बहुत ज़्यादा है फिल्म में, बहुत सारी चीज़ों से अभी फिल्म का स्तर जो था बिल्कुल बदल गया था। लेकिन जब किरदार के चयन की बात आई तो बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई कि इस किरदार को वो निभाएं। फाइनली फिर सर ने कहा कि कोई और ना निभाए, तुम ही निभाओ इसे, शायद मैं ही न्याय कर पाऊँगा। तो इनका विश्वास था इसलिए मैंने वो किरदार निभाया। अब कैसा निभाया है वो तो फिल्म देखने के बाद या देखा ही है कि सारे व्यस्त कलाकार हैं फिल्म से जुड़े थे, जिसमें जरीना जी, गोविंद नामदेव जी, अंजन श्रीवास्तव जी, शुभांगी जी, सुब्रत दत्ता जी, अनुपम श्याम ओझा जी, मैं कैसे बताऊं, मैं हृदय से इन सब का धन्यवाद देता हूं। इतना कोऑपरेशन मिला, कहते हैं कि अकेला इंसान या अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ता, मैं भी शायद फिल्म नहीं बना पाता अगर मुझे इतना प्यार न मिला होता। उनमें से हमारे सामने हैं शुभांगी जी, इनका शो अभी जी टीवी में आ रहा है, ये तेरी गलियां, आपने सिंघम, आशिकी टू, न जाने हर तीसरी चौथी फिल्मों में आप इनको देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन रत्ती भर भी ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं शुभांगी लाटकर हूँ। इन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि मैं एक किरदार करने आई हूँ, बताइए मुझे कैसे सपोर्ट करना है आपको। तो कई बार क्या होता है कि आउटडोर हम लोग शूट करने जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे मनोनुकूल नहीं होती, स्थिति परिस्थिति बिल्कुल हमारी विपरीत होती है, वहाँ एक इंसान, एक इतना बड़ा एक्टर, एक डायरेक्टर को जो फर्स्ट टाइम डायरेक्टर उसको सपोर्ट करता है, तो उसके लिए तो मैं थैंक्स बोलना। इतनी तारीफ हुई आपकी। हाँ, इनकी ज़र्रा नवाजी है, बहुत प्यार है, वो जब झलक रहा है। खैर, मैं अच्छी एक्ट्रेस हूँ ये बात सही है, अच्छी इंसान भी हूँ ये भी बात सही है लेकिन वाकई मैं बहुत अच्छी टीम से जुड़ी रही। धीरज जी एक बहुत अच्छे कलाकार तो है ही, बहुत अच्छे डायरेक्टर है, बहुत अच्छे इंसान है, तो मुझे खुशी है कि पूरी टीम हमारी, अंजन श्रीवास्तव जैसे, जरीना जी जैसी हमारी मेरे साथ थी, तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इस पूरे प्रोजेक्ट के साथ जुड़ी हूँ और ये अभी मुकम्मल होने को है सब, तो मेरी बहुत सारी शुभेच्छाएं इनके साथ और वाकई एक अच्छी फिल्म बनी है। अभी मैंने प्रोमोस देखे और मैं अभी खुद बड़ी क्यूरियस हूँ कि बड़े पर्दे पे ये फिल्म कैसी लगती है, क्योंकि इतनी खूबसूरत, हमने बहुत मेहनत की है, सभी ने बहुत मेहनत की है, और जैसे आपने देखा होगा धीरज जी एक बहुत ही सटल कलाकार है, मतलब उन्होंने जैसे किया है कहीं पे भी रत्ती भर भी ज़्यादा या कम मुझे दिखाई नहीं दिया। तो इतने अच्छे डायरेक्टर, मुझे तो इनकी एक ही साइड पता है जो अच्छे डायरेक्टर हैं, लेकिन साथ साथ अभी मैं पर्दे पे देख रही हूँ तो बहुत अच्छे एक्टर भी है, तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इतने टैलेंटेड लोगों के साथ हूँ और ऐसे ही जुड़े रहेंगे। धीरज जी थैंक यू, उन्होंने मुझे अच्छा किरदार, मेरा किरदार थोड़ा सा इसमें नेगेटिव है, थोड़ा फनी है, तो मुझे मज़ा आया करने में, तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे अलग अलग किरदार आप लेकर आए मेरे पास और मैं निभाती रहूँ। शुभांगी जी मराठी इनकी मातृभाषा है, लेकिन यूपी के उस पुट को इन्होंने इतने प्यार से संभाला कि लगा ही नहीं कि ये महाराष्ट्र से हैं या फिर उनको वो ज़ुबान नहीं आती होगी, तो कुछ इनके बड़े प्यारे से डायलॉग थे, मैं वो सीन भूल नहीं पाता हूँ, मुझे हमेशा वो ध्यान रहता है। वो क्या था, जब
अंजन जी को आप कहते हैं कि बाप मर्यादा पुरुषोत्तम और बेटी राजा हरिश्चंद्र की पोती, वो जो रिएक्शंस इनके चेहरे पर आते हैं ना, वो बनावटी रिएक्शंस नहीं है, वो पेड रिएक्शंस नहीं है, वो दिल से निकलते हैं और वो दिखता है वो स्क्रीन पे, तो एक अलग ही रूप इनका दिखेगा। और थैंक्स अ लॉट। Yeah, actually my experience is very, 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 very nice because of मेरा ये पहला आइटम सॉन्ग है और मुझे बहुत अच्छा लगा ये आइटम सॉन्ग करके, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं कि एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिला था इस चीज़ के लिए, रिहर्सल के लिए मुझे टाइम नहीं मिला था और हम लोगों ने डायरेक्ट शूट किया है और डायरेक्ट शूट में लॉलीपॉप जी थे जिन्होंने बहुत मदद की है। और बिना रिहर्सल के कुछ चीज़ होती है तो वो आप लोग भी सोच सकते हो कि कैसी होती है, पर हम लोगों ने बिना रिहर्सल के ये सॉन्ग शूट किया है। इनफैक्ट बाद में ये सॉन्ग बहुत अच्छा निकल के आया है और मुझे बहुत खुशी है। और हमारे धीरज जी सर जो हमारे डायरेक्टर हैं और एक्टर भी हैं, उन्होंने बहुत मदद की है इस चीज़ में। ओके, डिड यू फील नर्वस? नर्वस थे आप? नो, एक्चुअली ना, या आई वाज नर्वस दैट टाइम, बट राइट नाउ नो, नॉट नाउ। ओके, डू यू थिंक इट्स अ गुड स्टार्ट इन बॉलीवुड? एक अच्छी शुरुआत है आपकी, शुरुआत हुई मूवी आइटम सॉन्ग की, अच्छी शुरुआत? यस यस, मुझे ऐसा लगता है कि आइटम सॉन्ग एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है लाइफ का, मतलब मूवीज का या कुछ कह सकते हो, तो ये करके मुझे अच्छा लग रहा है कि आगे आगे चीज़ें भी मिलेंगी। अभी इनफैक्ट मैंने अभी एक सॉन्ग किया है, म्यूज़िक वीडियो किया है और वो भी जल्दी आने वाला है, आई थिंक 10 दिन में। अपूर्वा लाखिया ने डायरेक्ट किया है, तो उनके साथ भी मैंने काम किया है, धीरज सर के साथ भी काम किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं मिस्टर प्रोड्यूसर कमलेश जी को, डायरेक्टर धीरज जी को और पूरी टीम को। जंक्शन वाराणसी फिल्म बहुत ही अच्छी बनी है और सोशल मैसेज वाली पिक्चर है, और मैंने इस फिल्म में एक छोटा सा कैरेक्टर किया, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो फिल्म के बिगनिंग में आता है, बिगनिंग में है और एंड में है, बट मेरे 2 से 3 सीन फिल्म में है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। कहानी मुझसे स्टार्ट होती है और एंड भी मुझ पर होती है, इस तरह का मेरा कैरेक्टर, बट मैं उसको अभी ओपन नहीं करूँगा, बट बहुत अच्छा कैरेक्टर है और फिल्म बहुत अच्छी बनी है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, फिल्म लोगों तक पहुँचे, अच्छी लगे लोगों और लोग इसको सराहें, मैं तो बस यही कहूँगा, क्योंकि हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं मिस्टर कमलेश जी, तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत दिल से उन्होंने बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई है और एक विश्वास में फिल्म बनाई है। मैं चाहता हूँ कि स्पेशली उनके लिए मैं ये चाहता हूँ कि फिल्म चले ताकि वो कंटिन्यू पिक्चरें बनाएं। एक जेन्युइन प्रोड्यूसर का इंडस्ट्री में आना बहुत ज़रूरी होता है, जो वो हैं। थैंक यू सो मच।